प्रदेश में एक तरफ तो सरकार गरीबी हटाओ के नारों के साथ प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर उन योजनाओं का लाभ उन गरीब तबके के लोगों को मिलकर भी नहीं मिल पा रहा। देवास नगर पालिका निगम में सिर्फ नाम के लिए चला रही प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसमें 2.5 लाख रूपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में भवन निर्माण के नाम पर डाले जाने थे, वह करीब एक साल बीत जाने के बाद भी न तो इन गरीबों के सर पर छत आ पाई है। ऐसे में अपनी समस्या को लेकर मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे हितग्राही व उनके समर्थन करते हुए शिवसेना कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा नगर निगम हाय हाय के नारों के साथ ही एक हफ्ते में यदि हितग्राहियों के खातों में पैसे नहीं आए तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कहां पर आए और क्या समस्या लेकर आए? हम आए कलेक्टर साहब ऑफिस। क्या कहने, क्या गुहार लेकर आए? पैसे नहीं डाले। किस चीज के पैसे? मकान के योजना, आवास योजना के। कितने पैसे हैं आपके? 2.5 लाख। कहाँ, वहाँ से आ गए सरकार से? सरकार से आ गए, नगर निगम से नहीं डाले पैसे। नहीं डाले। जनसुनवाई पहुंचे थे, क्या मामला? आज शिवसेना संगठन के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे जो देवास नगर निगम भ्रष्टाचार फैला रही ना, उसको लेकर शिवसेना संगठन ने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और पूरे तथ्यों के साथ में जो ज्ञापन दिया गया है पूरे तथ्यों के साथ में दिया गया है। विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी विधायक सांसद पार्षद गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके उस आवास योजना का प्रचार करते हैं और हितग्राही योजना बताते हैं, जिसका पैसा 2.5 लाख रुपए आवास योजना के नाम पे जनता को दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा देवास में बिल्कुल नहीं है। दो विधानसभा चुनाव के पहले जो 1800 लोगों की सूची जारी हुई थी, उस सूची का पैसा नगर निगम के पास मार्च माह में आ चुका है। वो 1800 लोगों का पैसा आज तक नगर निगम ने हितग्राही लोगों के खाते में नहीं डाला। जी भाई बताए, कहाँ पर आए आप? कलेक्टर, क्या क्या समस्या लेकर आए यहाँ पर? किस चीज के पैसे नहीं आए आपके? 6 महीना। कौन सी चीज के? क्या क्या पैसे? मकान का। मकान का? हाँ। कौन से योजना के? प्रधानमंत्री आवास योजना के। हाँ, हाँ। कितना समय हो गया? 6 महीना। कितने पैसे थे आपके? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए अभी तक नहीं आए। देवास से धर्मेंद्र राघेल की रिपोर्ट।